चलो जी, ओके बेटा स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इंटरनल जावास्क्रिप्ट, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट फॉर इवेंट हैंडलिंग बताया था। आज जावास्क्रिप्ट क्योंकि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, तो मुख्तलिफ किस्म की प्रोग्रामिंग के जो कंस्ट्रक्ट हैं वो जावास्क्रिप्ट में कैसे अप्लाई करते हैं, क्या जावास्क्रिप्ट में चीज़ें हैं जो दूसरी लैंग्वेजेस से डिफरेंट हैं, तो ये चीज़ें अब आपको मैं बताऊंगा। प्योर प्रोग्रामिंग करना सीखेंगे, इफ एल्स कंडीशन कैसे लगानी है, फॉर लूप कैसे लगाना है, ठीक है जी, स्विच केस कैसे लगानी है, एरे कैसे बनानी है, कोशिश करूंगा आज ये प्रोग्रामिंग के जो है ना चीज़ें मैं आज आपको करवाऊँ यहाँ पर। तो शुरू करते हैं, मैं एक न्यू पेज बनाता हूँ। अच्छा, आप लोगों ने ना मुझे ज़रा बताना है, मैं ना हेडफोन से ज़रा कंफर्टेबल नहीं फील करता, तो मेरे लैपटॉप में भी हैं स्पीकर वगैरह और माइक, तो मुझे बताना है कि शाहजेब आपने मुझे बताना है, शाहजेब सर जी, जी शाहजेब सर आप आपने एक एक मिनट, मैं अभी जब पूछूंगा ना फिर बताना है कि आवाज़ ठीक आ रही है, एक मिनट। जी शाहजेब ज़रा बताइएगा मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर ठीक है बिल्कुल। एवरीवन सत्यन आपको आ रही है? जी जी सर बिल्कुल आ रही है, अच्छी आ रही है। अच्छा जी, अच्छा किसी को नहीं आ रही तो मुझे जरा बताएं, किसी को आवाज ना आ रही हो तो वो बताएं। चलो जी ठीक है जी, डन है। वो हेडफोन से ना मुझे बस जरा वो कंफर्टेबल नहीं फील होता जरा। चलो जी, मैं अभी जरा म्यूट कर रहा हूँ, अभी आप लोगों की आवाज को म्यूट कर रहा हूँ, तो शुरू करते हैं। थोड़ा सा मैं पढ़ाऊंगा, उसके बाद फिर आधे घंटे बाद मैं आपके क्वेश्चन लूंगा, ठीक है? ठीक है, जो भी क्वेश्चन आए वो नोट जरा कर लीजिएगा आप लोग, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना बेटा वो नोट कर लीजिएगा, फिर मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा अबाउट 20-25 मिनट्स के बाद ना, फिर आप क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है? ओके जी, अभी मैं म्यूट कर रहा हूँ। अच्छा जी, तो वीडियो भी मैं शाम में रात में अपलोड कर दूंगा। अच्छा जी, हम अपना ये पेज क्रिएट कर रहे हैं। इसका मैं नाम रख देता हूँ JS प्रोग्रामिंग। अच्छा जी, इसको सेव कर दिया अपने फोल्डर में, वही वर्क वाले फोल्डर में। याद रखना जावास्क्रिप्ट जो है ना इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, कंपाइल्ड लैंग्वेज नहीं है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। लाइन बाय लाइन इसमें स्टेटमेंट्स जो हैं वो ट्रांसलेट होती हैं और इंटरप्रेट होती हैं। अभी मैं एक जावास्क्रिप्ट लिखता हूं, पहले तो जावास्क्रिप्ट में मैं आपको जिस तरह मैंने अलर्ट आपको बताया था, इस तरह जावास्क्रिप्ट के अंदर जरा देखिएगा यूजर्स को मैसेज शो करने के लिए हम फंक्शन यूज करते हैं विंडो डॉट अलर्ट। लेकिन परसों तो अलर्ट, यानी मंडे को जो हमारा लेक्चर था उसमें तो अलर्ट के तौर पर हमने इसको यूज किया था, तो ये असल में ये विंडो ऑब्जेक्ट है, विंडो ऑब्जेक्ट का ये फंक्शन है अलर्ट। और ये फंक्शन ऐसा फंक्शन है, विंडो के जितने भी फंक्शन है उनको, उनके साथ चाहे विंडो लिखें चाहे ना लिखें,
वो चल जाते हैं। अभी विंडो डॉट अलर्ट लिखें तब भी वही काम होगा, और सिंपली अलर्ट लिख दें तब भी वही काम होगा। चेक करते हैं इसको, ठीक है जी, ये मैसेज बॉक्स आ गया। अच्छा, अब हमने इनपुट बॉक्स, अब आज आपको सबसे पहली चीज सिखाता हूं इनपुट बॉक्स कैसे बनाना है। अच्छा, ये अब समझ आ गई है ना कि विंडो के जो भी फंक्शन है, सिर्फ विंडो के, बाकी और जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके फंक्शंस को अगर हमने कॉल करना है तो ऑब्जेक्ट का नाम भी साथ बताना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ विंडो ऑब्जेक्ट जो है, इसके जितने भी फंक्शन है वो ऑब्जेक्ट का नाम ना भी बताएं तब भी हम उन फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं। दूसरा फंक्शन है प्रॉम्प्ट, विंडो डॉट प्रॉम्प्ट है असल में तो, लेकिन मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रॉम्प्ट, और मैंने कहा एंटर योर मार्क्स। अब ये यूजर से इनपुट लेने के लिए, चलें जी चेक करते हैं इस फंक्शन को। ये देखें, ये तो अलर्ट फंक्शन था पहले जो आया था, और अब ये प्रॉम्प्ट फंक्शन है, ये इसको इनपुट भी हम दे सकते हैं। अब स्टूडेंट कहता है जी मेरे मार्क्स 78 है, यानी ये इनपुट बॉक्स के लिए, ओके किया, इनपुट कहाँ चले गई कोई पता नहीं कहाँ। इनपुट बॉक्स के जरिए से इनपुट तो ले सकते हैं, लेकिन इनपुट कहाँ जा रही है वो नहीं हमें समझ आ रही, तो मैंने यहाँ पे लिखा var, एक वेरिएबल बनाया m। तो ये जरा जहन में रखना है कि ये फंक्शन एक और काम भी करता है, एक तो इनपुट बॉक्स हमें शो करता है, और दूसरा इनपुट बॉक्स के साथ साथ जो भी हम इसको इनपुट देंगे वो इनपुट किस में स्टोर करवा देगा, m नाम के वेरिएबल में। यानी ये रिटर्न करता है, ये क्या फंक्शन रिटर्न करता है, जो हम इनपुट देंगे इनपुट बॉक्स में वो रिटर्न करता है, और वो रिटर्न होके अब किस में स्टोर हो जाएगी, वो रिटर्न होके स्टोर हो जाएगी m नाम के वेरिएबल के अंदर, ठीक है जी, क्लियर। अब इफ कंडीशन लगाएं, मैंने इसी तरह आपको जावास्क्रिप्ट की मुख्तलिफ चीजें बता देनी है, मतलब जो है अब इसी को एक प्रोग्राम के अंदर देखें, अब इफ कंडीशन भी समझ जाएंगे, वेरिएबल बनाने का भी समझ जाएंगे, और ये मुख्तलिफ किस्म के जो बॉक्स हैं, मैसेज बॉक्स है, इनपुट बॉक्स है, आगे कन्फर्म बॉक्स भी सिखाऊंगा। अब जो भी हम इनपुट करेंगे वो एम नाम के वेरिएबल में चले जाएगी, और अब हम यहाँ पे उस वेरिएबल को मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं। मैंने लिखा m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, तो देन क्या कर दे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट मैसेज दे दे, Congratulations, you are pass. Else, क्या ख्याल है, बिल्कुल C लैंग्वेज की तरह ही है ना। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसको कर देते हैं सॉरी You are fair, ठीक है जी। अब इसको चलाकर देखते हैं, 78, अच्छा मैसेज नहीं आया, देखते हैं जी कहां पे गलती है, कोई एरर है हमारे यहां पे, डॉक्यूमेंट के स्पेलिंग नहीं सही, अब चेक करते हैं, ठीक है जी 78 मार्क्स वाले को पास शो कर दिया और 44 वाले को सॉरी यू आर फेल, यानी इसका मतलब है अब ये डेटा प्रोसेसिंग हो रही है। पिछले लेक्चर में पूछा था किसी ने कि सर जी कहाँ हो रही है डेटा प्रोसेसिंग, तो पिछले लेक्चर में तो ज्यादातर हम ये मैसेज बॉक्स वगैरह शो करवाते रहे या क्लिक इवेंट पे कुछ काम करवाते रहे, इवेंट हैंडलिंग करते रहे, अब तो डेटा प्रोसेस हो रहा है, अब तो वेरिएबल में रखा डेटा उसको चेक किया, ठीक है जी,
अब थोड़ा सा समझ आना शुरू हो गया कि अच्छा जी जावास्क्रिप्ट से डेटा प्रोसेसिंग इस तरह से करते हैं। अच्छा मैं साथ में चाह रहा हूँ कि कंग्रेजुलेशन यू आर पास जो लिखा हुआ है ना, तो उसमें फॉन्ट का कलर, अब मैंने आपको अच्छा नहीं बताया था शायद पिछले लेक्चर में, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर हम HTML का कोड भी लिख सकते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट डॉट राइट ने हमारे पेज के अंदर टेक्स्ट जनरेट करना होता है, तो हम इस तरह से डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर ये जो टेक्स्ट हमने शो करवाना होता है उसके साथ साथ हम HTML के टैग्स भी एज ए टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। अब जरा देखें, कुछ हमने और डेटा प्रोसेसिंग की, हमने फॉन्ट टैग भी लगा दिया इसके अंदर, अब क्या होगा, जो पास होगा उसको शो करेगा कंग्रेजुलेशन यू आर पास, लेकिन वो ग्रीन कलर में शो करेगा, देखें। लेकिन अगर कोई फेल है तो उसको ये शो किया लेकिन रेड कलर में शो किया, ठीक है। क्लियर है जी, ये पता चल गया, इफ कंडीशन लगाने का भी पता चल गया, मल्टीपल इफ भी लगा सकते हैं, इफ एल्स इफ भी लगा सकते हैं, ठीक है ना जी, इस तरह से करके, तो ये आपने खुद प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। दो चीजें पता चल गई, इफ एल्स कंडीशन लगाना पता चल गया, और साथ में अलर्ट और प्रॉम्प्ट का पता चल गया, ठीक है। चलें अब एक और प्रोग्राम बनाते हैं, इस प्रोग्राम के अंदर अब हम एक तो स्विच केस को सीखेंगे, ठीक है, और इसी तरह हम उसमें भी प्रॉम्प्ट को यूज करेंगे, ठीक है। चलो जी एक नया पेज बनाते हैं। अच्छा अभी इस बारे में कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं जी, कोई क्वेश्चन पूछना है? फरीहा आपने अपना किया हुआ सर, एक्सक्यूज मी, आपने माइक ऑन किया हुआ है जी, पूछना चाहती हैं कोई क्वेश्चन? नो सर। फरीहा महविश, आपकी आवाज, आप जरा थोड़ा जोर से बोलें। नो सर। माइक करीब करें अपने। सर मुझे पूछना था कि हमें एम वेरिएबल जी, सर हमने जो एम वेरिएबल मतलब क्रिएट किया है, इसका क्या होगा, फिर हम वैल्यू वापस से रिटर्न कैसे लेंगे? अगर हम चेक करना चाहते हैं किसी यूजर ने क्या वैल्यू इनपुट किया है, तो सब फोल्डर बनेगा ज्यादा से? नहीं तो आप ये लो, इधर अलर्ट से चेक कर लो कि क्या यूजर ने एंटर किया, ये ले अलर्ट में एम शो करवा लें, ये ले अभी जो यूजर, मतलब आपने चेक करना है एम में क्या स्टोर हुआ है, ये देखो 78 ये शो कर दिया उसने, 78 शो किया इसमें, और उसके बाद उसने कैलकुलेट करके, अगर आप कहते हैं कि नहीं जी मैं एक मिसाल दे रहा हूं कि जो एम में जो स्टोर हुआ है उसको 2 से डिवाइड करके शो करो, तो एम में जो भी स्टोर करेंगे अब ये देखे उसको 2 से डिवाइड करके शो करेगा, तो एम एक वेरिएबल है, उसमें डेटा स्टोर हो गया, 78 स्टोर किया तो ये देखे डिवाइड करके शो कर रहा है उसमें 39, ठीक है सर। मतलब जब नेक्स्ट वैल्यू आएगी तो पुरानी रिप्लेस हो जाएगी उसकी जगह? हाँ वो तो हो जाएगी, देखे अब एम में अगर मैं चाहता हूँ एम में पहले 78 स्टोर किया लेकिन बाद में देखें उसी एम में कोई और डेटा स्टोर कर देते हैं, ये देखें अब एम में जो लिखेंगे वो स्टोर होगा, लेकिन अब मैंने उसमें स्टोर कर दिया 90, तो अब ये 90 रहेगा। अब हालांकि ये जरा चेक कीजिएगा, प्रोग्राम चला, मैंने तो उसको वैल्यू दी थी 12 लेकिन अगली लाइन में उसकी वैल्यू हो गई 90 और ये पास शो कर रहा है, ठीक है जी सर, ओवरराइट हो जाएगी, नॉर्मल वेरिएबल जैसे होते हैं, ठीक है सर, थैंक यू। कोई और बेटा क्वेश्चन पूछना चाह रहा है अभी इस बारे में? एनीवन? आगे चलें? चलो जी आगे चलते हैं। एक अब नेक्स्ट प्रोग्राम बनाते हैं, मैं आपको वीडियो भी शेयर कर दूंगा बाद में,
इसी को ही मैं सेव एज कर लेता हूँ, एक नया प्रोग्राम अभी क्रिएट करते हैं, इसका नाम मैं रख देता हूँ स्विच, स्विच डॉट एच टी एम एल। चलें जी, इसके अंदर क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल का नाम लिया जी डी, और प्रॉम्प्ट से यूजर से डेटा इनपुट लेंगे और यूजर को कहते हैं एंटर ए डे नंबर, आज कौन सा दिन है उस दिन का नंबर बताओ। असल तो स्विच केस समझाना था मकसद, अब जो भी यूजर नंबर एंटर करेगा वो डी में स्टोर हो जाएगा। हम यहाँ पे स्विच को इस्तेमाल करते हैं, स्विच की कंडीशन लगाते हैं स्विच डी, ठीक है, केस अगर डी में वैल्यू वन है तो क्या करो, अलर्ट दे दो टुडे इज मंडे, हमारा जो वर्किंग डे है, पहला वर्किंग डे आमतौर पर मंडे ही होता है पाकिस्तान में, और उसके बाद ब्रेक, वही बिल्कुल सी प्लस प्लस की तरह। देखिए अभी तक आपको सी प्लस प्लस से कुछ डिफरेंट नहीं लग रहा, अगर केस वन है तो टुडे इज मंडे, केस टू है टुडे इज ट्यूसडे, केस थ्री है तो टुडे इज वेनसडे, फोर है तो थर्सडे, अगर केस फाइव है तो फ्राइडे, और सिक्स है तो सैटरडे, सेवन है तो संडे, ठीक है जी। अब इसको चलाते हैं, एक मिनट जी, स्विच डॉट एंटर अ डे नंबर, अच्छा जी कहीं पे गलती है, चेक कर लेते हैं कहाँ गलती है। सर ये कॉलम की जगह कॉलम यूज कर देते सी प्लस प्लस जी, हाँ एक तो यहाँ गलती है, ये कॉलन लग रहा है, केस जहां पे केस हमने एंड करना है वहां कॉलन लगाना, एक तो ये गलती है, सेमी कॉलन नहीं लगाना, कॉलन लगाना। उसके अलावा देखते हैं और कहां गलती है अभी। चलें जी, ये
अब ठीक हो गया मेरा ख्याल। डे नंबर मैंने दिया 4, तो कह रहा टुडे इज थर्सडे, और अगर डे नंबर दे रहा हूं 7 तो कह रहा टुडे इज संडे, ठीक है। और अगर गलती से लिखना तो डे 7 था लेकिन गलती से दो दफा 7 प्रेस हो गया, 77 प्रेस हो गया तो कुछ भी नहीं शो कर रहा, या 7 लिखना तो 7 था साथ में ए भी प्रेस हो गया तो ये तो फिर कुछ भी नहीं मैसेज दे रहा। तो इसमें हमें डिफॉल्ट केस भी लगाना पड़ेगा, जैसे सी प्लस प्लस में लगाते थे वैसे ही, डिफॉल्ट डिफॉल्ट और लिख देंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 इनमें से कोई भी हम एंटर करें फिर तो हमें कहे कि आज ये दिन है, आज ये दिन है। लेकिन अगर हमें इसके अलावा कोई और एंट्री मिल जाए तो उस पे हमें क्या दे दे, रॉन्ग डे नंबर, यानी 1 2 3 4 5 6 7 के अलावा कुछ भी एंटर हो, से किसी ने 7A एंटर कर दिया तब भी कहे रॉन्ग डे नंबर, किसी ने 7 की बजाय 8 एंटर कर दिया तो तब भी कहे रॉन्ग डे नंबर, और किसी ने अगर 2 एंटर किया यानी विद इन 1 2 3 4 5 6 7 एंटर किया तो फिर उसको कहे उसके मुताबिक रिजल्ट दे दे, ठीक है। अच्छा जी, अब एक छोटा सा प्रॉब्लम जावास्क्रिप्ट का वो आपको बताता हूँ, 2-3 अहम चीजें। एक तो याद रखना है जावास्क्रिप्ट के अंदर जो वेरिएबल है ना, अब 2-3 पॉइंट्स जरा कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स मैंने आपको बताने हैं, इनको जरा देखिएगा। जावास्क्रिप्ट एक तो है लूजली टाइप्ड लैंग्वेज, याद रखना है लूजली टाइप्ड लैंग्वेज। दो तरह की लैंग्वेजेस होती हैं, या तो लैंग्वेज स्ट्रिक्टली टाइप्ड होती लैंग्वेज होती है या लूजली टाइप्ड लैंग्वेज होती है। स्ट्रिक्टली टाइप्ड लैंग्वेज वो होती है जो टाइप्स के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है, डेटा टाइप्स के ऊपर ना, मतलब अगर उसमें जावास्क्रिप्ट में ये है कि एक वेरिएबल है अभी उसमें नंबर स्टोर किया, थोड़ी देर बाद मतलब अगली लाइन में उसी के अंदर आप टेक्स्ट स्ट्रिंग स्टोर कर दें, कैरेक्टर स्टोर कर दें, कोई मसला नहीं, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है, नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है। तो ये एक जावास्क्रिप्ट का एक इसको फायदा भी कह सकते हैं, कुछ जगहों पे इसका नुकसान भी कह सकते हैं, ड्रॉबैक भी कह सकते हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर एक जिस जो वेरिएबल है उसमें जिस तरह का डेटा स्टोर करेंगे ऑटोमेटिकली वेरिएबल की टाइप जो है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इसके अंदर एक और भी चीज है इम्प्लिसिट टाइप डिक्लेरेशन, यानी जिस तरह का डेटा देंगे किसी वेरिएबल को वो ऑटोमेटिकली उसके मुताबिक जो है वो एक वेरिएबल बनाया, उसको जिस तरह का डेटा दिया उसने उसकी टाइप वही बना दी। और दूसरी है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, एक वेरिएबल था इंटीजर लेकिन जब उसमें हमने स्ट्रिंग डेटा स्टोर किया ऑटोमेटिकली उसकी टाइप कास्ट टाइप चेंज हो गई, और चेंज होके वो क्या बन गई, वो उसकी टाइप चेंज होके साथ ही उसकी डेटा टाइप चेंज होने के बाद दूसरी डेटा टाइप हो गई जिस तरह का आपने डेटा उसमें ऐड किया, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताता हूं एक प्रोग्राम से, एक नया प्रोग्राम बनाते हैं, इस प्रोग्राम का नाम मैं रख देता हूँ टेस्ट जेएस। अच्छा जी,
इस प्रोग्राम में मैं थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट की कुछ आपको जो अक्सर प्रॉब्लम्स आते हैं इसमें वो मैं आपको जरा बताऊंगा। एक वेरिएबल है ए और एक है बी। सिंपली हमने प्लस करना है। जरा देखिएगा अलर्ट, अलर्ट में कहते हैं ए को बी से प्लस करके शो कर दो। चलें जी देखते हैं। एक नंबर एंटर किया 6, दूसरा एंटर किया 7, आंसर तो आना चाहिए था 13, लेकिन ये 67 आ गया। समझ रहे? अब दो तीन पॉइंट सबने याद रखने हैं। ऑब्जेक्टिव में इस तरह की चीजें मैं पूछ भी सकता हूं आपसे। पहली बात तो यह कि प्रॉम्प्ट के जरिए से जो भी हम डेटा देते हैं ना किसी भी प्रॉम्प्ट को, उस डेटा को जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग कंसिडर करता है। जावास्क्रिप्ट के अंदर 4 किस्म की बेसिक डेटा टाइप्स हैं। कौन कौन सी 4 बेसिक डेटा टाइप्स हैं जी? स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन और नल। 4 किस्म की टाइप्स डेटा टाइप्स हैं। तो यहां जहन में रखना है कि प्रॉम्प्ट से जो भी हम डेटा देते हैं, चाहे वो नंबर भी ही दें, कंप्यूटर ने जावास्क्रिप्ट ने उसको कंसिडर क्या करना है, एक स्ट्रिंग कंसिडर करना है। तो ए में एक स्ट्रिंग स्टोर हो गया, हालांकि वो स्ट्रिंग क्या है 7 और दूसरा स्ट्रिंग क्या है 6। 6 और 7 मैंने दिए थे ना, पहला 6 और दूसरा 7। अब दोनों स्टोर हो गए। अब जब हम इनको प्लस करते हैं तो कंप्यूटर समझता है कि ये दोनों नंबर्स नहीं है बल्कि ये तो दोनों स्ट्रिंग्स हैं। तो प्लस का, पहले भी आपको बताया हुआ है कि प्लस का निशान स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ देता है, कंकेटिनेट करता है। याद रखना है प्लस के ऑपरेटर के 2 काम हैं, स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ देता, मिला देता है। बस 6 और 7 को मिला देगा, स्ट्रिंग्स को मिला देता है। और नंबर्स अगर हों, दोनों अगर नंबर होते तो नंबर्स को इसने प्लस कर देना था, लेकिन क्योंकि ये प्रॉम्प्ट फंक्शन से जो भी डाटा दिया जाता है वो कंप्यूटर उसको स्ट्रिंग कंसिडर करता है, तो इसलिए ये उसको जोड़कर शो कर रहा है। अगर मैं एक फंक्शन लगा दूं यहां पे पार्स इंट, जरा देखिएगा, मैं प्रॉम्प्ट फंक्शन को कह रहा हूं कि प्रॉम्प्ट फंक्शन से जो भी डाटा मिला वो डाटा किस में कन्वर्ट हो जाए, इंट में, यानी उसमें से इंट पिक, असल में स्ट्रिंग वेरिएबल में से जो स्टार्टिंग इंट होता है, जो स्टार्ट में इंटीजर लिखा होता है, उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए ये फंक्शन इस्तेमाल होता है। कौन सा? पार्स इंट। ठीक है, तो अब मैंने पार्स इंट लगा दिया, तो अब इसको जो भी हम डेटा देंगे ये उसमें से नंबर को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, और ए और बी में अब क्या स्टोर करेगा, अब नंबर स्टोर करेगा। अब चेक करें, 6 एंटर किया, 7 एंटर किया, वो देखें उसने उसको नंबर में कन्वर्ट भी कर दिया और देखें प्लस कर दिया। इवन यहां तक कि ये देखें 7 लिखना था, गलती से 7 के साथ ए लिखा गया, तो इसमें से भी वो सिर्फ 7 पिक करके किसको दे देगा, वेरिएबल को। और बाद में 9 लिखा, तो अब 7a 9 से तो नहीं ना प्लस हो सकता, लेकिन यहां पे 7a में से 7 निकाल के वेरिएबल में डाल देगा, और 9 के साथ तो कुछ लिखा ही नहीं, 9 डाल देगा, और ये देखें 16 हमें प्लस करके दे। ठीक है जी, ये बात समझ आई है? लो जी, अभी फिर ब्रेक ले लें, 5 मिनट की ब्रेक ले लें।